नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco X3 versus Moto G71 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco X3 में 6.51 इंच जबकि G71 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco X3 से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco X3 में 3 इंच जबकि G71 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco X3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco X3 में 0.4 इंच जबकि G71 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco X3 में 225 ग्राम जबकि G71 5G में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco X3 में IPS LCD जबकि G71 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco X3 में 6.67 इंचेस जबकि G71 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco X3 में 85.16% जबकि G71 5G में 83.18% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco X3 में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि G71 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco X3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G71 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco X3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G71 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco X3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और G71 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco X3 में Adreno 618 जबकि G71 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco X3 में Qualcomm Snapdragon 732G और G71 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि G71 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco X3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि G71 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco X3 में अप टू 512GB जबकि G71 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Poco X3 में Android V10 क्यू जबकि G71 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco X3 में 6000 mAh जबकि G71 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो पोको X3 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीज, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीज, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें G71 5G की, तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको X3 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G60 है, दूसरा इन्फिनिक्स नोट 11 है, तीसरा मोटोरोला H20 फ्यूजन है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एकू Z5 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।